दोस्तों ये है यहाँ का बावली और कहते हैं बारहमासी एक भरा रहता है जिसमें आप अपनी सहभागिता सपरिवार प्रदान करने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय सेवा, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों आज मैं आया हूँ महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पे कपिलेश्वर मंदिर में और यहाँ का आप लोगों को दर्शन करवाने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों कपिलेश्वर मंदिर बालोद के बीचों बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर है। हम लोग दोस्तों महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पे यहाँ पे देखने गए थे कि यहाँ का माहौल कैसा रहता है। बहुत ही अच्छा रहता है और इस मंदिर में मैं दूसरा बार आ रहा हूँ, तो आप लोग भी अगर नहीं आए हैं तो आइए दोस्तों, आपका मन यहाँ पे प्रसन्न हो जाएगा क्योंकि यहाँ बावली भी है और यहाँ के इतिहास को भी आप लोगों को जानने को मिलेगा। दोस्तों अभी मैं मंदिर परिसर के अंदर आ गया हूँ और बहुत ही अच्छा माहौल है शिवरात्रि के दिन। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग एक गार्डन टाइप से आप लोगों को महसूस होगा, ओपन जिम भी है। और यहाँ के मंदिर में दोस्तों बहुत अलग अलग देवी देवता को स्थापित किया गया है, मुख्यतः दोस्तों भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। दुष्यंत देवांगन जी, जहाँ कहीं भी हो आपसे निवेदन कि मंदिर परिसर में महाराज जी के पास आने का कष्ट कर। दोस्तों यहाँ कपिलेश्वर मंदिर में भगवान शिव का नव निर्मित प्रतिमा स्थापित किया गया है और ये है दोस्तों प्राचीन गणेश जी का मूर्ति। इस तरह के मूर्ति दोस्तों हमारे बालोद जिला में सभी जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि आप कुकुर देऊर मंदिर जाओगे और जगन्नाथपुर का प्राचीन शिव मंदिर जाओगे, तो ये एक समूह है दोस्तों, भगवान शिव का कपिलेश्वर मंदिर समूह कहलाता है ये, जिसमें आप अपनी सहभागिता सपरिवार प्रदान करने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाल जी साहू कावड़िया ग्रुप में जो माइक सेट गया हुआ था। क्या दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारे बालोद जिला में हमारे छत्तीसगढ़ का पहला खुला पुरातत्व संग्रहालय भी है। इस तरह से आप लोगों को मूर्तियां देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आप लोग नहीं गए हैं तो जाइए, बूढ़ा तालाब में बनाया गया है दोस्तों, कोई नहीं जानता लेकिन आप लोगों को जाकर देखना है, बहुत ही अच्छा लगेगा। भोले बाबा की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा आज आप सभी के सहयोग के माध्यम। दोस्तों ये है यहाँ का प्राचीन कपिलेश्वर मंदिर, इसी को बोलते हैं कपिलेश्वर, मतलब दोस्तों भगवान शंकर को समर्पित यह मंदिर है। इसके गर्भगृह में दोस्तों भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित किया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना छोटा सा जगह है। और पुरातत्व विभाग द्वारा दोस्तों कुछ कुछ मरम्मत का कार्य भी इसमें किया गया है और आप लोगों में ज़्यादा नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन हम लोग गए थे तो कपिलेश्वर मंदिर में खीर और पूरी का भंडारा लगा हुआ था, तो हम लोग भी प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। और यहाँ पे देख सकते हैं मंदिर समिति द्वारा यहाँ पे खीर पूरी बनाया जा रहा है और यहाँ पे बांटा जा रहा है दोस्तों। तो चलिए आप लोगों को वीडियो में दिखाते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, अभी लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों अब आप लोगों को दिखाते हैं कि खीर पूरी कौन कौन ले रहे हैं प्रसाद के रूप में। और ये है दोस्तों यहाँ का नज़ारा, आप लोग देख सकते हैं गजब का लगता है। खाली समय में आते हैं तो आ सकते हैं, विनय टाकीज है बालोद में, बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ पे टाकीज है, उसी के पास है दोस्तों। बहुत लोग तो कपिलेश्वर मंदिर को जानते भी नहीं होंगे क्योंकि दोस्तों थोड़ा से अंदर है, सड़क किनारे रहता तो पता चल जाता लेकिन थोड़ा से अंदर है और ज़्यादा प्रचार प्रसार भी नहीं करते इस मंदिर का। दोस्तों ये है यहाँ का बावली और कहते हैं बारहमासी
एक भरा रहता है इसी तरह से, बारिश में थोड़ा सा ज़्यादा भर जाता है लेकिन ये कभी सूखता नहीं है ऐसा बोलते हैं दोस्तों, और इसे नागवंशी राजाओं ने बनवाया है। दोस्तों ये है यहाँ का मुख्य कपिलेश्वर मंदिर जो कि देखते ही बनता है दोस्तों। दोस्तों बालोद का कपिलेश्वर मंदिर बालोद के अंदर ही है, आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, नहीं आए हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। यहाँ का वातावरण बावली है और यहाँ आसपास गार्डन है तो आप लोग जरूर आइएगा। वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़।